तो सोनाक्षी सिन्हा की डेब्यूट वेब सीरीज अमेजन इंडिया पर, अमेजन प्राइम इंडिया पर रिलीज हो चुकी है, जिसका नाम है दहाड़। दहाड़ नाम है, लेकिन दोस्तों क्या यह वाकई में दहाड़ है शेर की या फिर यह बिल्ली की म्याऊं है, इसका पता चलेगा इस लंबी से वेब सीरीज को देखने के लिए। आपको अपने 8 घंटे लगाने चाहिए, इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इन सब के बारे में जानेंगे आज हम। तो दोस्तों वेब सीरीज है दहाड़, इसकी कहानी है दोस्तों सत्य घटना पर आधारित कहानी है। साइनाइड मोहन का एक सीरियल किलर हुआ करता था, सीरियल किलर जो लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था, उनसे प्यार के झूठे वादे करता था, शादी के वादे करता था, उन्हें प्रेग्नेंट करता था, उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर करता था ज्वेलरी और कैश के साथ, फिर उसे किसी तरह गर्भ निरोधक गोली के बहाने साइनाइड की गोली खिला देता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी और उस मृत्यु को वो आत्महत्या का रूप देता था। तो दोस्तों ये कहानी जो है बहुत ज्यादा मतलब उससे प्रभावित किया, उसी पर बेस्ड है और साइनाइड मोहन का किरदार निभा रहे हैं आनंद स्वर्णकार के रूप में विजय वर्मा और उनको पकड़ने का काम कर रही है जी हाँ सोनाक्षी सिन्हा और उनकी टीम सोहम शाह और गुलशन देवैया, जिसमें है सोनाक्षी सिन्हा ने अंजलि भाटी का किरदार निभाया है इसमें, जो राजस्थान से बिलोंग करती है। यह कहानी राजस्थान के मंडावा में शिफ्ट कर दी गई है वहां पर, और उस कहानी की पृष्ठभूमि यही है कि उस गांव से कई सारी लड़कियां जो है एक के बाद एक गायब होती रहती है, उनकी रिपोर्ट लिखी जाती है और कुल 27 लड़कियों के बारे में मामला पता चलता है, और ऐसा पता चलता है कि ये सभी जो दिखने में आत्महत्या लग रही है लेकिन है यह एक पैटर्न में किलिंग का पैटर्न है, यानी कि सभी जो है सीरियल किलर का काम है। तो कुल 2 एपिसोड में आपको सब कुछ पता चल जाता है कि किलिंग कौन कर रहा है, इस फिल्म का मोटिव, इस वेब सीरीज का मोटिव क्या होने वाला है। लेकिन बाकी के जो 6 एपिसोड है इस वेब सीरीज के, वो बहुत ज्यादा लंबे कर दिए गए हैं दोस्तों, उसकी इतनी जरूरत नहीं थी, गोल गोल घूमती रहती है कहानी, क्योंकि दोस्तों कहानी हम तब देखते हैं जब कुछ अनप्रिडिक्टेबल जैसा हो, लेकिन यहाँ पर सब कुछ प्रिडिक्टेबल है, कुछ वही सब पुराने जो मान्यता है उसे चलाया गया है, जैसे कि मेटाफोर जो होते हैं कि दहेज प्रथा, ऊंच नीच जाति की प्रथा, इन सबको रखा गया है वेब सीरीज में, लव जिहाद का भी थोड़ा सा एंगल आया है, तो इन सबको लेकर कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि इन सबको रखना जरूरी था, नहीं तो कहानी ऐसा नहीं हो सकता था। इसमें कथानाक है तो उपकथानाक भी है, अपने अपने किरदारों की अपनी कहानियां हैं, उनकी भी कुछ एंगल्स है, इन सब के बारे में मैं बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि आपको यह वेब सीरीज देखनी है, सस्पेंस नहीं खोलना है। लेकिन जो मैंने बताया कि ये जो 8 एपिसोड की वेब सीरीज है दोस्तों, ये बहुत लंबी हो गई है, क्यों ना इसे मतलब थोड़ा सा रीएडिट किया जाता तो अच्छा लगता। एक्चुअली मैं जब देख रहा था इस वेब सीरीज को तो मेरा मन कर रहा था कि मतलब इसको 32 पर फॉरवर्ड कर दिया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा कि यह वेब सीरीज देखने लायक नहीं है, बल्कि सभी किरदारों ने अपने हिसाब से अपने किरदारों को बहुत अच्छा निभाया है। जैसी लेखक मंडली ने उन्हें किरदार लिख कर दिए, जैसा उन्हें करने के लिए कहा गया, जो उनके बेस में था कैरेक्टर में, उसमें उन्होंने सभी ने अच्छा काम किया है। और अभी तक जो है सोनाक्षी सिन्हा का इसमें जो काम है लेडी सिंघम का, पुलिस का, पुलिस वाली का किरदार जो है उन्होंने बहुत अच्छा निभाया है। बाकी तो एक्टर बहुत अच्छा है ही, जैसे कि विजय वर्मा जो इसमें मेन साइनाइड मोहन का किरदार निभा रहे हैं आनंद स्वर्णकार के रूप में, तो उनका भी काम जो है बहुत ही बढ़िया है। तो कुल मिलाकर इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा है, और फिल्म जो है मतलब नयापन भले ही ना हो लेकिन थ्रिल है, सस्पेंस है, एक्शन है, एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे हैं, सब कुछ मिलाकर यह जो है वेब सीरीज एक बारी देखी जा सकती है। मैं रेटिंग देना चाहूंगा 3 स्टार की। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मेरी आने वाली फिल्म जो है मिस्टर एंड मिसेस लवेरिया, जिसका पहला गाना जो है ऑडियो सॉन्ग मैंने रिलीज कर दिया है और आपको इस गाने को सुनना चाहिए, बहुत ही अच्छा गाना है दोस्तों, 90s की याद दिला देता है मेलोडी म्यूजिक की, तो उसका जो है उसे भी आप देखिए, प्यार दीजिए, और कुछ ही महीनों में मेरी वो फिल्म बनकर आ जाएगी। तो आप लोगों का प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और साथ चाहिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले रिव्यू में, नमस्कार, ओम शांति।